वैस भाई साथ में है आज, और ये हमारे गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल का रास्ता जो भी अमृतसर में है। जैसे कि हमने पीछे भी दिखाया था, यहाँ पार्टीशन म्यूजियम था जहाँ पर जंग आज़ादी के वक्त और उससे पहले की जो अहम चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से वो बंद चल रहा है, क्योंकि आपको अंदर से नहीं दिखा। आज मैं पहुंचा हुआ हूं अमृतसर में और हम यहां की सबसे मशहूर जगह गोल्डन टेंपल देखने के लिए चले जा रहे हैं। ये रास्ते हमको गोल्डन टेंपल की ओर ही लेकर जा रहे हैं। इससे पहले मैं अमृतसर का एक पूरा व्लॉग अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखिए, उसमें पूरा अमृतसर का आपको व्लॉग मिलेगा जिसमें अमृतसर का जामा मस्जिद, अमृतसर का गोल्डन टेंपल और जलियांवाला बाग तीनों ही चीज़ें मैंने उस व्लॉग में कवर की है। तो जल्दी से जाइए और उसको देखिए। तो मैं बढ़ता हूँ अब गोल्डन टेंपल की तरफ और यहाँ पर ये फुलकारी वर्ल्ड आप देख सकते हैं, ये दुपट्टे जो हैं बनाए हुए हैं, हाथ का काम इन पर हुआ रहता है तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेडीज़ सूट भी होते हैं फुलकारी के, जिन पर हाथ से काम किया हुआ होता है और इनका डिज़ाइन बड़ा ही खूबसूरत होता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही रास्ते हैं जो गोल्डन टेम्पल की ओर हमें लेकर जा रहे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोल्डन टेंपल के अंदर और ये हमारे साथ मौलाना वली शिमाली साहब और भाई मनदीप सिंह और कारी सईदुज्जमा साहब। तो आज सभी दोस्त हम यहां पहुंचे हुए हैं। अंदर क्या क्या होता है, कैसा नज़ारा है, वो सभी आज के इस व्लॉग में आप देखने वाले हैं। ये हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ है। हाँ, इमोशनल हो गया बंदा। और ये हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये आप लोग जो देख सकते हैं, ये हमारे साथ मनदीप पाजी आए हैं और ये हमारे साथी हैं। ये यहाँ पर रस किस लिए लगा हुआ, जब लोगों की भीड़ है, संगत गुरु हमारे दर्शन करने जा रही है। ये हमको यहाँ पर एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा दरख्त नज़र आ रहा है जो आप भी देख सकते हैं। इसके बारे में जो हमारे साथ आए हुए हैं मंदीप भाई, उनसे मालूम करेंगे कि कौन सा दरख्त है और ये यहाँ कब से है और बहुत सारी अहम चीज़ें हैं अंदर जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं और पैसे वगैरह डाल कर जो जा रहे हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो सब ये कर रहे हैं। लेकिन इस दरख्त के बारे में ज़रूर मालूम करूँगा, बड़ा पुराना दरख्त मालूम हो रहा है और ये हमारे मनदीप भाई हमारे साथ जो हैं ये हमें बताएंगे कि ये दरख्त कैसा है। ये दरख्त कहाँ का पेड़ है? पेड़ कहाँ का है? बाबा बुद्धा जी की बेरी का पेड़ है। बेरी का पेड़ है, कितने साल पुराना है? अच्छे जलन का हाल बनना है यहाँ पर, ये उसका पूरा नक्शा है यहाँ पर आपको, लंगा हाल का नक्शा। रामदास जी ये लिखा हुआ है जी, लंगर शरीफ श्री गुरु रामदास जी, गुरु रामदास के नाम से जो लंगर हाल बनना है यहाँ पर, उसका नक्शा है पूरा। यहाँ पर श्रद्धालुओं को पानी पिलाया जा रहा है,
पानी पिलाने की व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर की हुई है। और ये तीनों ही दोस्त हमारे साथ हैं, एक भाई सईदुज्जमान हैं और वली शमाली हैं, और ये मनजीत सिंह पाजी हमारे साथ ही भी आए हुए हैं और यहाँ के बारे में जानकारी भी हमको दे रहे हैं। वो सामने गोल्डन टेंपल के नाम से जो मशहूर है, यही वो मेन जगह है और ये दुनिया भर में जितने भी सिख समाज के लोग रहते हैं उनके लिए एक बड़ी हैसियत रखता है और बड़ा ऊंचा मुकाम रखता है यहाँ पर, तो इसी वजह से। Yeah, baby.